हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि सितंबर 2023 आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, यानी कि आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आएगा सितंबर 2023 में। हम यहाँ पर आपके करियर के लिए भी मैसेजेस देखेंगे कि करियर में क्या बदलाव आएगा, क्या चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। हो सकता है कि आपके सिचुएशन से एक्यूरेटली रेजोनेट करे, पॉसिबल है सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे, इसीलिए फ्री माइंडेड और ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ओके व्यूअर्स, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग सभी जोड़ियक साइंस के लिए है, तो चाहे आपका कोई भी जोड़ियक साइन हो, स्टिल ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तभी आप यहाँ पर आए हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं ये कार्ड अनफोल्ड हुआ था तो इसे कंसिडर करती हूँ। ओके, लेट्स सी आगे और क्या है। टू ऑफ वैंड्स एंड देन सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, विक्ट्री, सिक्स ऑफ वैंड्स एंड द विक्ट्री कार्ड। ओके, आई होप ये कार्ड्स विजिबल हैं, आप सभी को अच्छे से दिख रहे हैं। या व्यूअर्स देखिए, सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये है कि लव लाइफ आपकी जो नेक्स्ट मंथ रहने वाली है, उसमें मुझे लगता है कि अगर डिसबैलेंस आया था, अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में हैं, अगर आप अपनी लव लाइफ में एक ऐसी कंडीशन में है, सिचुएशन में है, जहाँ पर बैलेंस खत्म हो गया था, लाइक जिसको भी आप पसंद करते हैं, जो भी आपका प्यार है, ये तो बिल्कुल एफर्ट्स उन्होंने, यानी कि आपके पार्टनर ने लेना बंद कर दिया था, या आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लेना स्टार्ट कर दिया था, तो ये बैलेंस्ड वे में था ही नहीं। दोनों तरफ से इक्वल एफर्ट्स होने चाहिए, इक्वली एफर्ट्स होने चाहिए, इक्वल एफर्ट्स, इक्वल इमोशंस, इक्वल अटेंशन बराबर होनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं था, डिसबैलेंस था आपके लव लाइफ में, तो क्लियरली यहाँ पर मैसेज है कि आने वाले मंथ में, यानी सितंबर 2023 में आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। आपके और आपके पार्टनर के बीच अगर एक्सचेंज अच्छा नहीं था, अब एक्सचेंज से मेरा मतलब है कि दोनों तरफ से जो एफर्ट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, एक्शंस, ये जो भी किया जाता है वो दोनों तरफ से इक्वल किया जाता है। अगर टाइम इन्वेस्ट किया जाता है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे में इंटरेस्ट है, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन है, तो वो सब कुछ एक इक्वल प्रोपोर्शन में होता है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि अब वो होने लगेगा सितंबर 2023 में, आपके रिश्ते में बैलेंस आने वाला है, आपके कनेक्शन में, आपके पर्सन के साथ, आपके पार्टनर के साथ एक बैलेंस मेंटेन हो पाएगा, क्योंकि आप भी उतने ही एफर्ट्स लोगे जितने रिक्वायर्ड हैं, और सामने से भी फिर आपके लिए एफर्ट्स लिए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट आपने लिया था या आप ज़्यादा ट्राई कर रहे थे तो आप ही करते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा आप अपने आप को थोड़ा अपने इमोशंस, चाहे बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं, चाहे बहुत ज़्यादा आप सेंटिमेंटल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल फील कर रहे हो, फिर भी थोड़ा सा अपने इमोशंस को बैलेंस्ड रखो, थोड़ा सा अपने आप को पीसफुल रखने की कोशिश करो, और सामने वाले पर्सन को भी उतना अपॉर्चुनिटी, उतना चांस या उतना स्पेस मिले कि वो आपको मिस भी कर पाए और वो आपके लिए एफर्ट्स भी ले। तो आप करो या ना करो, नेक्स्ट मंथ ऐसा हो रहा है, बैलेंस आ रहा है, दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक होगा, दोनों तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल एफर्ट्स होंगे, दिख रहा है। तो एक्सचेंज तो आपका अच्छा होने वाला है अगले महीने आपके प्यार में, अगर ऐसा नहीं था तो अब होने वाला है। यस, दोनों तरफ से आप देखेंगे समान इंटरेस्ट होगा, यानी इक्वल,
मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि नेक्स्ट मंथ ऐसा भी हो सकता है कि आप की लव लाइफ में आप कोई फाइनल डिसीजन लेने वाले हो. क्यों? क्योंकि आप किसी कंक्लूजन पर डेफिनेटली पहुंचोगे अपनी लव लाइफ को लेके, अपने पार्टनर को लेके, अपनी सिचुएशन को लेके. किसी डिसीजन पर, किसी कंक्लूजन पर पहुंच रहे हो और एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो. शायद ये डिसीजन किसी इंतज़ार को लेकर हो सकता है कि मुझे इंतज़ार करना है कि नहीं, क्या मैं पेशेंस रखूं या नहीं, या मूव ऑन कर लूं. यू नो, ये वेटिंग को लेकर मुझे लगता है कोई डिसीजन आप लेने वाले हो कि बस मुझसे और इंतज़ार नहीं होता, या फिर इतना इंतज़ार और करूंगी या करूंगा उसके बाद आई विल मूव ऑन. तो मुझे लगता है वेट को लेकर कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन आप ले सकते हैं. यस. मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ आपके पास काफी प्रपोजल्स भी आ सकते हैं. अब प्रपोजल्स मतलब ये नहीं डायरेक्ट शादी का ऑफर आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट मंथ आपको काफी लोगों से अटेंशन मिल सकती है. मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको अटेंशन देंगे. हो सकता है आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश करें, ये भी हो सकता है आपको इम्प्रेस करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे ज्यादा, आपके साथ ज्यादा स्वीट हो जाएंगे. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ना आपको इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये लोग बहुत सीरियस नहीं हैं. देयर विल बी पीपल जो आपको अप्रोच करेंगे, सोशल मीडिया पर अप्रोच कर सकते हैं. अगर फेस टू फेस नहीं मिलते हैं ऐसे लोग तो सोशल मीडिया पे आपको अप्रोच कर सकते हैं या बाहर भी कर सकते हैं, और ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. लेकिन ये लोग बहुत जेन्युइन, प्योर और ट्रू इंटेंशंस के साथ आपके पास नहीं आ रहे हैं. उन्हें बस फ्लर्ट करना है या दे जस्ट वॉन्ट टू हैव फन, इंजॉय करना है, फ्लर्ट करना है, यू नो, बस अट्रैक्ट हुए हैं. तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसे ऑफर्स, कुछ ऐसा अटेंशन आपको मिल सकता है. अगर आपको अटेंशन अच्छा लगता है, यू कैन इंजॉय दिस अटेंशन इफ़ यू लाइक दिस अटेंशन. अगर आपको ये अटेंशन पसंद है तो आप इसे इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अटेंशन या ऐसे फ्लर्ट को लेकर या ऐसे ऑफर को लेकर सीरियस नहीं होना, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना. ये मैं सोचना रही है मेरे पास आए हैं, ये मुझे पसंद करते हैं क्या, मुझे चाहते हैं, प्यार करते हैं, ऐसा मत सोचना. ओके, लाइटली अगर आप लेना चाहते हो चीज़ों को, अगर आपको कोई अटेंशन दे रहा है, आप उसे इंजॉय कर रहे हो विद अ स्माइल, तो ठीक है. लेकिन अगर आप चीज़ों को लेकर सीरियस हो जाओगे तो थोड़ा डिस्टेंस ही रखना ऐसी चीज़ों से. ओके, थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस क्रिएट करके रखना ऐसे फ्लर्ट से, ऐसे प्रपोजल से. क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग तो रहा है व्यूअर्स कि काफ़ी लोग हैं कहीं ना कहीं जो एक मौके की तलाश में कि वो कैसे आपके फ्रेंड बन जाएं या कैसे आपके गुड बुक्स में आ जाएं. तो थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि डिजर्विंग लोग नहीं है ये कि आप इनकी फ्रेंडशिप आपको मिले, सॉरी आपकी फ्रेंडशिप इनको मिले. पर ऐसा हो रहा है और आप किसी बड़े डिसीजन पर आने वाले हो, और मुझे लगता है कि अगले महीने आप किसी दो रास्ते में से एक चुन लेंगे, दो ऑप्शंस में से एक चुन लेंगे, दो सिचुएशंस में से एक चुन लेंगे. और दूसरी बात जो मैंने कही थी कि वेटिंग को लेकर एक डिसीजन करने वाले हैं आप, तो एक फाइनल डिसीजन डेफिनेटली हो सकता है. और दो ऑप्शंस में से या दो रास्तों में से किसी एक का चयन होता हुआ मैं देख रही हूँ. बहुत ही कम लोगों के लिए, सिर्फ 20% लोगों के लिए मैं कहूंगी कि नेक्स्ट मंथ आप लोग ट्रैवल भी प्लान कर सकते हैं. अब ऐसा नहीं है कि वो ट्रैवल नेक्स्ट मंथ हो ही जाएगा. ओके, सितंबर 2023 में आप ट्रैवल करेंगे ही करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है. चांसेस हैं कि हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली ऐसा लगता है ट्रैवल को लेकर कोई प्लानिंग, ट्रैवलिंग को लेकर कोई बातें, चर्चा, प्लानिंग या कुछ यू नो, कोई ऐसा इनविटेशन मिलना, देयर इज समथिंग जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ऐसा आइडिया लेकर आएगा या ऐसी कॉन्वर्जेशन होगी, ऐसी प्लानिंग होगी कि आप कहीं जाएंगे. तो या तो जा भी सकते हैं, बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन हाँ, प्लानिंग या फिर कुछ डिसीजन ट्रैवल को लेकर भी लिया जा सकता है. मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि जो नेक्स्ट मंथ होने वाला है वो ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहेगा. आपके लिए एज सच कुछ नेगेटिव नहीं है. यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि लोगों से भी आपको बहुत अप्रिसिएशन, अटेंशन मिल रहा है.
अटेंशन का तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, पर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। हो सकता है कि आप जो पढ़ाई करते हैं, अगर स्टूडेंट हैं, कुछ सीख रहे हैं, या अगर कोई जॉब करते हैं, वहाँ अप्रिसिएशन मिलेगा, यू नो, या किसी प्रोफेशन में है तो वहाँ बहुत रिस्पेक्ट अप्रिसिएशन मिलेगा। आर्टिस्ट हैं किसी तरह के, या घर में भी अगर हाउसवाइफ है, यू नो, घर में भी कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं तो घर में भी बहुत आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है। ये फ्रेंड्स आपको बहुत अप्रिशिएट कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए। तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि अप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन मिल रही है। हो सकता है सोशल मीडिया पर भी आप काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं धीरे धीरे, सोशल मीडिया पर भी लोग आपको बहुत पसंद करने लगे हैं, फॉलो ज़्यादा करेंगे आपको। सितंबर में ऐसा हो सकता है लोग ज़्यादा आप में इंटरेस्ट दिखाएंगे, सोशल मीडिया पर भी ज़्यादा आपको फॉलो करेंगे, ज़्यादा एक इंगेजमेंट होगी आपकी लोगों के साथ। तो पीपल आर रिस्पेक्टिंग यू, अप्रिशिएटिंग यू फॉर वट एवर यू डू। कुछ ऐसा करते हो आप, चाहे वो पढ़ाई लिखाई है, कोई आर्ट है, कोई क्रिएटिविटी है, या कोई प्रोफेशन ऐसा है, कोई स्किल ऐसी है। हो सकता है कंटेंट मेकिंग का कोई काम करते हो, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस बनाते हो, कुछ ऐसा करते हो जिस वजह से भी आपको काफ़ी रिस्पेक्ट अप्रिसिएशन मिलता है या मिलने वाला है। सितंबर 2023 में मुझे लगता है कि रिकॉग्निशन है यहाँ पर, पॉपुलैरिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत एकदम कोई लार्ज स्केल पर या कोई बिगर लेवल पर ही होगा, लेकिन ग्रोथ दिख रही है। ओके, ग्रोथ दिख रही है, चेंज भी दिख रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि अगर आपका एक माइंडसेट था आपकी लव लाइफ को लेकर कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है, आपने जो किया है वो सही है, आपने जो एक्सपेक्ट किया है वो भी ठीक है, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर प्यार में आपकी जीत होने वाली है। क्योंकि आपके पर्सन, मैंने कहा ना कि अब एफर्ट्स लेना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल्ड वे में रखना होगा। उनके एफर्ट्स वो लेना स्टार्ट करेंगे, एक बैलेंस आएगा यहाँ पर जो कहीं खो गया था। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स दैट हो सकता है आपके पर्सन गवर्नमेंट सर्विस में है या जाना चाहते हैं, या उनकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट सर्विस में हो सकता है, गवर्नमेंट या कोई ऐसी पोजीशन, कोई ऐसी प्लेस और पोजीशन जहां पर उनके पास पावर है या डिसीजन लेने की पावर है, ऑर्डर देने की पावर है, तो किसी अच्छी पोजीशन पर भी हो सकते हैं, या उनकी फैमिली में कोई अच्छी पोजीशन पर हो सकता है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर फैमिली में कोई अच्छी पोजीशन से है तो इनको फैमिली का अच्छा सपोर्ट भी है, अच्छा फैमिली ने अच्छे से सपोर्ट करती है। यहाँ पर मुझे व्यूअर्स ऐसा भी लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ आप काफ़ी इंटेलिजेंटली, काफ़ी मेच्योरली सिचुएशंस को हैंडल करने वाले हैं, और एक वाइस पर्सन की तरह सिचुएशन को हैंडल करेंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर, या कहीं ना कहीं बहुत पार्शियल होकर कुछ नहीं करने वाले। जो भी करेंगे बहुत मेच्योरिटी के साथ करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे बहुत वाइस डिसीजन लेंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है किसी की गाइडेंस भी आपको मिल सकती है, जैसे कोई टीचर है, कोई मेंटोर है, कोई गार्जियन है, जैसे कोई ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं किसी किसी के लिए एल्डर सिबलिंग्स होते हैं या क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, तो किसी स्मार्ट पर्सन की, किसी इंटेलिजेंट पर्सन की, नॉलेजेबल पर्सन से आपको गाइडेंस मिल सकती है, ये भी पॉसिबल है। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो मंथ है वो आपके लिए अच्छा है। लव लाइफ में सिर्फ इतना दिख रहा है कि आप जो सोच रहे हैं उस चीज़ की जीत होगी, और आपके पर्सन एफर्ट्स लेना स्टार्ट करेंगे, और आप कोई डिसीजन ले पाएंगे वेटिंग को लेकर, और साथ ही साथ दो ऑप्शंस में से कुछ एक चूज भी करेंगे। आइए चलिए आपके ना करियर के लिए मैसेजेस देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड व्यूअर्स, देखते हैं सितंबर 2023 में थोड़ा करियर कैसा होगा आपका, ये भी देखते हैं।
आपके करियर के लिए और आपकी लव लाइफ के लिए मुझे यही मैसेज मिल रहा है व्यूअर्स। ऐसा नहीं है सिर्फ करियर के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज दूंगी अलग से, ऐसा नहीं है। मैसेज मुझे दिख रहा है कि आपके करियर के लिए भी और आपके लव लाइफ के लिए भी यही संदेश है यहाँ पर। लुक एट द बिगर पिक्चर। छोटी छोटी समस्याएं अगर रास्ते में आती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जर्नी वर्थलेस है, बेकार है, यूजलेस है। फिर भी वो जर्नी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्योंकि आपका गोल इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बीच में उस गोल को अचीव करते वक्त या डेस्टिनेशन तक पहुँचते वक्त जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उनको थोड़ा फेस भी करना होता है, टैकल भी करना होता है, इग्नोर भी करना होता है, लेकिन समहाउ मैनेज करना होता है। आपके करियर के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि आपके करियर में अगर उतार चढ़ाव ज़्यादा रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स ज़्यादा रहते हैं, एक स्टेबल पोजिशन आप मेनटेन नहीं कर पाते, बार बार फ्लक्चुएट होता रहता है, ओके तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप अभी की समस्याओं को मत देखिए, लुक एट द बिगर पिक्चर। आगे क्या होने वाला है, क्या विजन है आपका, या क्या आपका गोल है, और इन सब छोटी छोटी समस्याओं को जब आप पार कर लेंगे तो आपके लिए क्या है, ओके क्या सरप्राइज है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग है, क्या अचीवमेंट है आपके लिए। कहीं ना कहीं उस तरफ अपना निशाना रखिए, उस तरफ अपना टारगेट, अपना गोल पर फोकस करिए, अपने गोल पर फोकस करिए। बीच में आने वाली कठिनाइयाँ, फ्लक्चुएशंस टेम्परेरी ही हैं। नेक्स्ट मंथ में यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अगर आती हैं, आ रही हैं, तो उनको जैसे भी आपको हैंडल करना है करें, इग्नोर करना है, टैकल करना है, फेस करना है, डू इट, बट अपना फोकस लूज नहीं करना है, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। सेम फॉर योर लव लाइफ व्यूअर्स। कहीं ना कहीं अगर आपको पता है कि आपको अपने लव लाइफ से या अपने आप से, अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, या कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपको कैसा रिश्ता चाहिए, कैसे रिश्ते में, कैसे रिलेशनशिप में आप कंफर्टेबल हैं, आपके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपका दिल क्या चाहता है, बहुत सारी चीज़ें अगर आपको पता है ना, आप सिर्फ उसी के बारे में सोचिए। ये मत सोचिए कि आपको कुछ सेक्रीफाइस करना है, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज करना है अभी, या अभी आपको अपने आप को बदलना होगा या अपोलोजाइज करना होगा, ऐसी सिचुएशन नहीं आई है, ठीक है। तो अभी तो बस छोटे छोटे अगर इश्यूज होते हैं या फ्लक्चुएशंस होती हैं कि उनकी एनर्जी फ्लक्चुएट होती है, या प्लैनेट्स की वजह से ऐसा असर होता है कि कोई एक अग्रेसिव हो गया है, या किसी का मूड बिल्कुल ऑफ है, कोई बिल्कुल चुप हो गया है, तो इन चीजों से बड़े बड़े डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। तो यहाँ पर यही मैसेज है लव लाइफ के लिए भी व्यूअर्स, कि आप थोड़ा आगे के बारे में सोचकर चलिए, फ्यूचरिस्टिक होकर चलिए। अभी की समस्याओं से ये मत समझ लीजिएगा कि ये रिश्ता ही बेकार है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ भी आपका ना मन थोड़ा विचलित हो सकता है, यानी कि चीजें अच्छी होंगी लाइफ में, लेकिन दिल फिर भी घबराएगा। ऐसा होता है ना कि कभी कभी इंसान कंप्लेन करता है कि मेरी लाइफ में अभी करंटली तो कोई इश्यू नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे घबराहट हो रही है, फिर भी मुझे डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बिगड़ रहा है, या कुछ तो छूट जाएगा, बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वो एंग्जाइटी हो सकती है, लेकिन वो एंग्जाइटी एक मैं कहूँगी कि ऐसी नहीं है कि वो बहुत एक्सट्रीम है, थोड़ी बहुत होगी, लेकिन उसको भी आप मेडिटेट करके थोड़ा ध्यान लगाएंगे, आत्मचिंतन करेंगे, तो आपका दिमाग भी ठंडा हो जाएगा और आपको दिखने लगेगा कि एज सच ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो मुझे अभी जब कोई समस्या नहीं है तो मुझे इतना अफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो लव लाइफ को लेकर हो, करियर को लेकर हो। ज़्यादा अज्यूम करने की, ज़्यादा पहले से ही प्रिडिक्ट करने की कोशिश ना करें, थोड़ा मेडिटेट आपको करने की ज़रूरत है, आपका मन थोड़ा शांत नहीं है। यस, आपका दिल दिमाग शांत नहीं है ऐसा लगता है, आपको थोड़ा सा मन को शांत रखने की ज़रूरत भी है। मुझे लगता है व्यूअर्स आप किसी आंसर का वेट कर रहे थे, किसी जवाब का वेट कर रहे थे, किसी क्लैरिफिकेशन का वेट कर रहे थे। ये करियर के लिए भी मैसेज हो सकता है कि आप किसी रिस्पांस का, किसी आंसर का, किसी
रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो डेफिनेटली वो आपके फेवर में हो सकता है। सेम गोज फॉर योर लव लाइफ, कि अगर आप किसी चीज़ का जवाब, क्लैरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन, आंसर्स चाहते थे, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न थे, डाउट थे, क्वेश्चंस थे और आप उनका जवाब चाहते थे, तो वो आपको मिलने वाला है। सितंबर 2023 में आपके काफ़ी डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे आपके लव लाइफ को लेकर, आपके पर्सन को लेकर भी अगर कोई डाउट था तो क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन थी तो एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल सकता है, ओके? और सारी चीज़ें क्लियर होती हुई दिख रही हैं। आपके मन में जो भी प्रश्न है उसका उत्तर या तो सामने से अपने आप कोई कन्फेस कर देगा, आपके पर्सन है तो वही कन्फेस कर देंगे, या फिर आपको रियलाइज हो जाएगा कि इसका आंसर क्या है, आपकी इंट्यूशन के थ्रू समझ में आएगा या आपके एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपको समझ में आएगा। कुछ तो आपको साइन ऐसा मिलेगा, कोई साइन ऐसा, कोई सिग्नल ऐसा मिलेगा कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक कार्ड और लेते हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स। व्यूअर्स, मैंने कहा था यहाँ पे आपको किसी चीज का डर लग सकता है, मन में डर हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है। मैंने कहा कैसे भी सिचुएशन को आप हैंडल करना चाहते हैं करें, ठीक है, चाहे उसे हैंडल करें या इग्नोर करें या कैसे भी कंट्रोल करें, मैनेज करें, जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है, सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, अपने डर को, अपनी प्रॉब्लम को फेस करने की कोशिश करें, करिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है कि अपने डर पर आप काबू पा लें। जिस जिस चीज़ से आपको डर लगता है, अरे ये मुझे छोड़कर चला जाएगा, सक्सेस मुझे कभी नहीं मिलेगी, मेरा करियर कभी अच्छा नहीं होगा, मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, सब मुझे धोखा देंगे, तो ये एक तरह का डर है चीज़ों को लेकर। चाहे अभी इतना बुरा नहीं हुआ है, नहीं होना है, होना भी नहीं है, फिर भी वो डर बैठ गया है अंदर आपके। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपको ना पहले अपने डर पर विक्ट्री पानी होगी, बहुत ज़रूरी है। सितंबर 2023 में क्या, मैं तो कहूँगी अभी से आप इस चीज़ पर वर्क करना स्टार्ट करें। जिन जिन चीज़ों से आपको डर लगता है ना, अपने दिल को समझाना शुरू करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोई मुझे पसंद करना बंद कर देगा, मुझे प्यार करना बंद कर देगा, हो सकता है मेरी एक जॉब चली जाए तो मुझे दूसरी लेट मिले, हो सकता है ना मिले तो मैं कुछ और करने की कोशिश करूँ, तो क्या हो जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा। जब इंसान सोचता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, धीरे धीरे वो चीज़ों के साथ कंफर्टेबल होने लगता है, एक्सेप्टेंस में जाता है वो। आपको भी ना लव लाइफ को लेकर भी और करियर को लेकर भी थोड़ा एक्सेप्टेंस में आने की ज़रूरत है, चेंजेस को लेकर एक्सेप्टेंस, के बदलाव तो होंगे, ज़रूरी नहीं है कि मेरे फेवर में हो, मेरे अगेंस्ट भी होंगे, मुझे वो भी स्वीकारने होंगे, क्योंकि अगर मैं सामने से एक्सेप्ट ना करूं तो भी चेंज तो हो ही रहा है, और अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं और चेंज तो हो ही रहा होता है तो वो हमें मेंटली भी अफेक्ट करता है, एनर्जेटिकली भी अफेक्ट करता है, हेल्थ वाइज भी अफेक्ट करता ही है, हमारी ग्रोथ तो हैम्पर होती ही है, मतलब अफेक्ट होती ही है। तो यहाँ पर आपको अपने डर को ना फेस करना है, उसको टैकल करना है, उस पर जीत हासिल करनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा अगर कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाएगा, और अगर उसे जाना ही था, वो डेस्टाइंड है कि वो जाएगा, तो आपको डरना कैसा। और अगर वो ट्रू लव है, वो सच्चा है, वो जेन्युइन है कनेक्शन, और वो इंसान फिर कितना भी इश्यूज हो जाएं, कितने भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं, वो कितना भी जाने की कोशिश करे, लौट कर घूम कर वो वहीं पर रहेगा जहां उसका प्यार है, जहां उसकी डेस्टिनी में उसको रहना लिखा है। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेकर, इतना एंग्जाइटी करके, या इतनी एंग्जाइटी हो रही है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर मुझे लगता है सच में आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने लाइफ के विजन्स और गोल्स पर फोकस कीजिए, चाहे वो आपके लव लाइफ को लेकर हो या करियर को लेकर हो, जितना आपके कंट्रोल में है, जितना आप कर सकते हो वहाँ अपना बेस्ट कीजिए, एंड देन लीव द रेस्ट, जो होगा अपने आप होगा, ओके? यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि आपकी लव लाइफ तो स्टेबल हो रही है, करियर भी स्टेबल हो रहा है, बस ये आपका जो डर है अंदर का, वो आपको नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करवाता है, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करता है, तो थोड़ा नेगेटिविटी से बचे। उसी के लिए यहाँ पर है कि ध्यान ज़्यादा लगाएं, आत्मचिंतन करें कि आखिर मुझे ऐसा होता क्यों है, अगर डर लगता है, घबरामण होती है, तो क्यों होती है,
ऐसा क्या है जो मैं खो दूंगी या खो दूंगा, ऐसा क्या है जो एक इंसान खोने के बाद अच्छे से रह नहीं सकता, अपनी लाइफ को अच्छे से कंडक्ट नहीं कर सकता, ऐसा क्या है? समझिए, सॉल्व कीजिए सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को, क्योंकि प्रॉब्लम तभी प्रॉब्लम है जब हम उसे प्रॉब्लम कहते हैं. जब तक हम उसे प्रॉब्लम ना कहें वो एक सिचुएशन है. ओके, सपोज किसी का चलिए स्टूडेंट्स का एग्जांपल लेते हैं, सबसे बेसिक होता है. किसी स्टूडेंट का होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, मान लीजिए दो स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है, एक बोल रहा है अपने फ्रेंड को, अरे यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई आज तो मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, और दूसरा वहां पर कह रहा है कि अरे यार एक सिचुएशन है कि मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है, इस सिचुएशन में फंस गया हूँ, ये इस सिचुएशन के बारे में सोच रहा हूँ कि क्या होगा. तो पहली बात, पर्सपेक्टिव कितना अलग है. एक परिस्थिति को कोई इंसान परेशानी कहता है, प्रॉब्लम कहता है, और कोई कहता है सिर्फ परिस्थिति है, तो नज़रिए से फर्क पड़ता है. इतना ज्ञान, इतना एक्स्ट्रा, इसीलिए नहीं बोल रही हूँ कि मुझे बहुत आदत है, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है. मुझे भी नहीं चाहिए कि मैं एक्स्ट्रा बोलूँ, लेकिन जिस तरह की रीडिंग आती है, दिख रहा है कि आपके अंदर एंग्जाइटी इशू है. बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन है. घबराते हो आप, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ भी ट्रैक पर चल रही है और धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही है. सेम गोज फॉर योर करियर, लेकिन फ्लक्चुएशंस हैं, ये पहले भी हुई हैं, इस वजह से डर है आपके अंदर अब. तो डर को थोड़ा कंट्रोल में कीजिए, डर पर काबू पाइए, सब कुछ ट्रैक पर आ रहा है, बस आपको पॉजिटिव रहना है. सो दिस वॉज द रीडिंग. आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है. अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा व्यूअर्स. ओके, यस, क्लेंजिंग किया कीजिए आप. थोड़ी मेडिटेट करते हैं तो वो धूप होती है उसे जलाकर बैठिए, या सेज होती है उसे जलाइए, या कपूर कुछ भी, मतलब थोड़ा सेजिंग कह रही हूँ, थोड़ा सा क्लेंजिंग कीजिए. ओके, या प्लांट्स के आसपास रहा कीजिए थोड़ा. प्लांट्स की जो वाइब होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती. या ओके व्यूअर्स, सो दिस वॉज द रीडिंग. आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल थी. इस रीडिंग ने आपको गाइड किया है सितंबर 2023 के लिए. अगर थोड़ी भी हेल्प करती है ये रीडिंग तो कमेंट करके ज़रूर बताइए. वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ड्रीम टैरो चैनल को. चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली.